मेरे भाव को मैंने ऐसे तैयार कर रखा, देखो आज सुद्धी मैं हूँ। मैं नए कपड़े तब पहनती हूँ जब कुछ है, कुछ फंक्शन है, कुछ चीजें हैं जहाँ नए कपड़े तभी नहीं पहने जाते जब फंक्शन होता है, ऐसे होता है। मेरे को निकाल दिया उन्होंने, तेरे को मेरी कसम है इसको पहन के रख। है 1,50,000 हो गए पूरे, हो गया पूरा। तो हम उसको सेलिब्रेट कब के हो गया था, बट हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अभी। मैंने पूनम को बताया नहीं है। अच्छा, तो अचन मेरा और विस्कित का प्लान है ना, मैं ना इसके लिए क्या लाके दूं सोच के थोड़ा सा छोटा सा लाके दिया। ये भी थैंक यू, थैंक यू। नहीं पता जी, सब मेरी तरफ से। लद्दाख जरूर जरूर आओ बोल संदीप। बाय बाय। तुम्हारे तो मैं ऐसे बात करना सबके। चलो मैम, बाय बाय, हैप्पी जर्नी और ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आना। अच्छा ध्यान रखना। हाँ बाय बाय, मिलेंगे कहीं तो मिलेंगे। संदीप बाय बाय। तुम्हारे तो मैं ऐसे बात करना सबके। बड़े नहीं होते, मैं सबको पेलता तुम्हें पता है। हमने संदीप का पोपट काट दिया। संदीप कल दिल्ली पहुंच जाता पर संदीप देखो टूर करा रहा है। अब संदीप आएगा सीधा 29 को, हम 29 को मिलेंगे दिल्ली में। 29 को कॉल करता हूं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चल मैं आंखुटा छू दादी तो छुली बिल। आयुष्मान भाव। चलो वाह, चलो बाय बाय, मिलते बाय। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 23 अगस्त ही चल रहा ना। हाँ आज है 23 अगस्त। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुली आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके से एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो इनकी तबीयत की वजह से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं कल नहीं परसों 25 को, और संदीप इनका टूर करवा रहा है तो इसलिए आज संदीप चले गया है। हमको उसकी फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी कल वाली 22 तारीख की, तो इसलिए वो टूर करा रहा है। और ये हम जा रहे हैं दिल्ली, सीधा दिल्ली से घर, नहीं घर तो नहीं जाएंगे, 2-4 दिन दिल्ली में है तो दिल्ली में मिलेंगे आपसे और सबसे मिलवाएंगे। इनकी तबीयत अभी तो थोड़ा ठीक है पर इन्होंने अपनी बीमारी मुझे दे दी है, क्योंकि अब मेरा पूरा कल से गला दर्द स्टार्ट हो गया है रात से। हम लोगों ने थोड़ा सा सामान पैक किया और फिर हम बोर हो गए, फिर दोनों के दोनों ऐसे ऐसे एक पूरब एक पश्चिम होके फोन देखने लग गए। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं दिल्ली जाने के लिए, उसके बाद सीधे उत्तराखंड। अब तो घर की इतनी याद आ रही है भटके थिचोड़ी नहीं आलू मूल की थिचोड़ी होती है। पहले हम लोग दिल्ली जाएंगे, फिर कुछ इनका मतलब ये पूरे साल भर टूर करते हैं और उसके बाद ये अपना कभी इलाज नहीं कराते हैं। इलाज मतलब इलाज की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर कभी ऐसा होता ना कि साल में 6 महीने में इंसानों को अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान पूरे 365 दिन काम कर रहा है उसको ध्यान तो रखना चाहिए ना। तो इस बार हम जाके पहले दिल्ली में इनका चेकअप वगैरह कराएंगे, टेस्ट वगैरह करवाएंगे, क्योंकि इनको फीवर भी है। वो बीच में पता चलेगा ना कि मशीन है कि इंसान है। कुछ भी, वैसे तो तुम मशीन ही हो, मशीन ही ऐसे काम कर सकती है। तो अभी हम लोग पैक करेंगे आधा सामान, ये देखो आधा ये सामान इनका तो पैक हो गया। ये हमारा लगभग 15 kg का है, क्योंकि फ्लाइट में 15 kg लगेज में जाएगा और 7 kg हमारे केबिन में जाएगा, तो हम लोग साथ साथ अपने पास रखेंगे और 15-15 बैग में डाल के रखेंगे। और ऑलरेडी हम लोग का सामान बहुत सारा है, क्योंकि इन लोग की जैकेट वगैरह सब इतनी भारी भारी होती है यहाँ के लिए। तो सब तो मैं अपने कपड़े इस बार लद्दाख में छोड़ के जाने वाला, एक बैग तो हमने यही छोड़ दिया लद्दाख में, जाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग जाने वाले सीधा फ्लाई करने वाले दिल्ली, फिर हम आ रहे हैं दिल्ली, फिर वहाँ करेंगे मौज मस्ती मस्त करके, फिर उत्तराखंड जाएंगे, फिर आपके लिए लेके आएंगे अच्छे 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 व्लॉग्स। तो अभी बच गए हैं दिन के 1:30 और मैं डाल के आई हूं मशीन में कपड़े धोने के लिए, और यहाँ पे हम लोग का लंच है आज रेडी। अभी बच गए लंच में 1:30, शट अप, हम चला रहे हैं भेड़, शट अप। आज इन्होंने बनाए हैं बड़ी आलू, आप बोल रहे होंगे इसमें बड़ी का है, क्योंकि बड़ी इनकी प्लेट में। क्योंकि मुझे न्यूट्रिला सबसे ज्यादा पसंद है, ये बड़ी खाते हैं, मैं बड़ी के सिर्फ आलू खाती हूँ, तो आलू मेरी प्लेट में, बड़ी इनकी प्लेट में। और ये हमारा थेचा
का यथेचा पैकेट छुपा दिया ना। ये देखो ये वाला, भाई साहब इतना गजब का टेस्ट आता है ना इसमें। अरे हम लोग दिन में रोटी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत क्या, गले में दर्द हो रही है, तो इन्होंने चावल नहीं बनाए हैं और मैंने चाय मंगाई है, क्योंकि बिना चाय के तो मुझसे रोटी घुट ही नहीं जाती है, इसलिए मैंने आधी रोटी छोड़ दी। दादी अम्मा है ना ये, दादी अम्मा है, दादी अम्मा हूँ। अब जल्दी उत्तराखंड आने वाले हम लोग, मस्त मजा आएगा। यो बारिश भी जल्दी रुक जाएगी। यो शाम के 7 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, घर के लिए, बाहर के लिए, दोस्तों के लिए। और आज की खुशखबरी सुनाओ जो पूनम ने नहीं देखी थी पहले। देखी तो मैंने, ये मूवी देख रही थी, देखी मैंने चंद्रयान, और मैं देख रहा था चंद्रयान 3 का मून पे सॉफ्ट लैंडिंग। एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू और नेशन एंड इसरो टीम, थैंक यू सो मच। और इतना प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, मतलब मुझे तो गूज बम्स आ रहे थे ऐसे, मतलब मैं देख रहा था जब शोर शराबा हल्ला गुल्ला और ऐसा ना, इट वॉज क्रेजी। थैंक यू सो मच। हम सबकी मम्मियों की राखी मामा जी के पास रक्षाबंधन से पहले ही पहुंच गई। चंदा तो सब लोगों को एक बार फिर से बधाइयां चंद्रयान के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। और अब हम चलते हैं पार्टी करने। जय हिंद, जय हिंद। ये देखो हमारा हो गया बैग वैग पैक, अब हमारी जाने की तैयारी सीधा दिल्ली के लिए। ये देखो इसको ले जाएगी पूनम, इसको ले जाऊंगा मैं, और मेरा कैमरा बैग है उधर, और अभी थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ है तो फिर इसको भी हम फटाफट करेंगे। अभी मेरा गेंडा तैयार हो रहा है यहाँ पे पूरा, ये लगा रहा है। हम लोग जा रहे सीधा कैफे, फिर देखना आज हाथी वाली नीचे से ड्रेस भी पहनी है उसने, मस्त लग रही है ना हाथी जैसी, हाथी वाली ड्रेस है ना, देखना हाथी वाली ड्रेस नीचे मिट्टी मिट्टी वाली लगाए रखता है हाथी। तो चलो फिर इसके बाद निकलेंगे, तैयार हो रही है मैडम जी, फिर निकलते सीधे कैफे के लिए, फिर जाना है हमने मार्केट, थोड़ा बहुत शॉपिंग, कल सुबह उड़ जाएंगे हम सीधा लद्दाख से सीधा दिल्ली। कैसा लग रहा है? बेकार बेकार। वहां से मैं तुम्हें घर भेज दूंगा तुम्हारे अरकंडाई। अच्छा हाथी अपने यार घर चले जाएगा तो फिर कैसा लगेगा। चलो चलते हैं। फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो, हमारे मोबाइल में भी आ जाया करो। आज पता है आपको क्या, आज ना हम कैफे जा रहे हैं और आज हमारा लेह में आखिरी दिन है और मैं पूनम के मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और हम पूनम का ना यूट्यूब में 151,50,000 हो गए पूरे, हो गया पूरा, तो हम उसको सेलिब्रेट कब के हो गया था बट हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अभी मैंने पूनम को बताया नहीं है। अच्छा। तो अचन मेरा और विस्कित का प्लान है पूरा, अभी हम कैफे जा रहे हैं, कैफे में हम सेलिब्रेट करेंगे पूनम के यूट्यूबर फैमिली का। और तो फिर आज हमारा लास्ट दिन है लेह में, थैंक यू अच्छे को सबसे पहले, फिर हम अच्छे को बहुत मिस करेंगे है ना। कल अचन मैं और पूनम जा रहे हैं दिल्ली, सीधे फिर वहाँ से जाएंगे घर, ठीक है। तो अभी मैंने बताया नहीं सुबह से पूनम को कि हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कैफे में, तो अभी हम जा रहे हैं सीधे। और थैंक यू सो मच पूनम को इतना सपोर्ट करने के लिए, यूट्यूबर पूरी यूट्यूब फैमिली को, और थैंक यू सो मच नयाल फैमिली की तरफ से भी। तो चलिए चलते हैं सीधे, देखते हैं कैफे में क्या चल रहा है। पूनम को पता नहीं है अभी मतलब क्या प्लान है, पता नहीं, नहीं उसको कुछ नहीं पता जी, मेरी तरफ से लद्दाख जरूर जरूर आओ बोलो सबको, लद्दाख में जरूर आना। यस यस अभी सीजन खत्म हो गया, बट ये देखो हमारे फूल कितने सुंदर सुंदर से खिले हुए, ये देखो, और ये देखो एप्पल। तो प्लान में है थोड़ा चेंजेस, अभी डिस्किट का फोन आया था, डिस्किट लगा रही हूँ वहाँ पे बलून वलूनो मार्केट से लेने गए हुए हैं, और मैं नॉर्जोम और उन लोगों को भी इन्वाइट किया वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा पूनम को भी स्पेशल लगना चाहिए, और हम लोग भी बहुत कम करते हैं ना उसके लिए स्पेशल, तो ऐसा कुछ नया करने वाले हैं, तो थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, केक वेक कट करेंगे 150K फैमिली का पूरा यूट्यूबर्स फैमिली की तरफ से, और मैं लाइव भी जाऊंगा, तो आप लोग भी
पूनम को कॉन्ग्रेट्स बोल दीजिए और उसको बहुत सारा प्यार दीजिए अपना, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करिए। और फिर सीधे चल रहे हैं, अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं पहले मार्केट, मार्केट का काम वाम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सीधे कैफे। तो मैंने बोला है कि मेरा आज का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वहाँ कैफे में, थोड़ा झूठ मूठ तो चलता है ना, सरप्राइज है ब्रो। तो चलो सीधे चल रहे हैं अभी हम लोग सीधे मार्केट। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, क्योंकि कठपुतली की तरह कहाँ उड़ रही हो तुम। और आज मेरी बहन का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे पूजा को। वैसे तो हम लोगों ने सुबह ही विश कर दिया था, पर व्लॉग में कल से सीधा आज शूट कर रही हूँ, तो आप ही बोल रही हो। और मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे पूजा, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर डे। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मार्केट, फिर मार्केट के बाद थोड़ा कैफे जाएंगे, कैफे में कुछ खाएंगे पियेंगे। उधर भी एक भाई का बर्थडे है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने पहले जा रहे मार्केट, थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ लेके आ जाते। ये मेरे भाव को मैंने ऐसे तैयार कर रखा, देखो आज सुद्धी मैं हूँ। मैं नए कपड़े तब पहनती हूँ जब कुछ है, कुछ फंक्शन है, कुछ चीजें हैं जहाँ नए कपड़े तभी नहीं पहने जाते जब फंक्शन होता है, ऐसे होता है। मेरे को निकाल दिया उन्होंने, तेरे को मेरी कसम है इसको पहन के रख, है ना सुंदर लग रही है ना, कल ही लिया था हमने इसके लिए, देखो स्कूल की भाव जैसे। मेरा भाव यार, इंसान थोड़ा नए कपड़ों के लिए सजता है, सवरता है, तब थोड़ा बालों में तेल जैसा चिंबो रही हूँ, चपाट हो रही हूँ। तो आज लास्ट बार लेह का मार्केट देखो, यहाँ पे लेडीज लोग ऐसे सब्जी के छोटे छोटे अपने स्टॉल लगाते। चलो आपको लिए चलते हैं लद्दाख प्रोग्राम में, कुछ चल रहा है मार्केट में। ओह सुंदर कन्याओं का डांस चल रहा है। Next we have another girl who would be performing solo dance. Actually we have singing also, but I think our देखो हमने पूनम को बिल्कुल सरप्राइज दिया है, और यहाँ पे है 150 के YouTube फैमिली। कैसा लगा? मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, मुझे इन्होंने बोला मेराज का बर्थडे है, इन भाई जी का, इन गाइड का, इधर दिखाओ। इसका बर्थडे, झूठ मूठ का बर्थडे। और यहाँ कुछ और ही चल रहा है, इनका देख ले यहाँ डांस भी चल रहा है। थैंक यू दिस किड, yes thank you thank you चलो चकुलो। सर पूनम से पूछते हैं, पूनम कैसा लग रहा है? बढ़िया, मुझे कानों कान खबर नहीं हुई कि ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सब आ रहे हैं ना, चिक चिक का पूरा स्टाफ, सॉन्ग द डांसर है। अच्छा उधर लगा रहे क्योंकि इनके गेस्ट आने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे, इसने लगाया है क्रीम पाउडर। अभी बिजी 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 रोज कच कच। सबसे छुपके खाने वाला ये, क्योंकि गेस्ट आ गए उधर से। इधर हैं सब नॉन वेज वाले। आपके यहाँ भी तो आज कुछ है, क्या है वो देखना। आज बिस्किट नॉन वेज नहीं खा रही है। आज वो है कुछ अचन ने खा दिया, मैंने कहा अचन भी रोहित की तरह नहीं मानती है। और सब वेजिटेरियन इधर बैठे हैं मेरे साथ। बाय बाय।
थैंक यू, मिलेंगे अगले साल। अगले साल मैं जिम में आऊंगी, ठीक है? अगले साल मैं जिम में आऊंगी। बाय बाय, मिलेंगे अगले साल। बाय बाय अच्छो। तो देखो नूरजो मिले क्या लेके आई है। कुछ भी नहीं ला सका बस सच में, ऐसा कुछ भी नहीं ला सका, कुछ भी नहीं मिलता ये वैसे भी लद्दाख में। इतने सारे लद्दाख घूम घूम के बहुत साल हो गया ना, मैं ना इसके लिए क्या ला के दूं, क्या ला के दूं, सोच सोच के थोड़ा सा छोटा सा ला के दिया ये भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलेंगे हम जल्दी एक साल बाद। क्यों एक दिन सुबह तो पता नहीं हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी जाएंगे। नहीं यार, आराम से सोने का। 5:30 बजे निकल जाएंगे हम, मिलेंगे अगले साल। अपने अपने शादियों में बुलाना मुझे, ठीक है? ठीक है, मैंने बोला ना तू, मैं ठीक है जाएंगे, ठीक है भारत में, भारत में स्वागत करेगी तू, हम लोग बात में। चल ना शादियों में आऊंगी मैं, मुझे लद्दाख की शादियां देखनी है। ठीक है, ओके। अब मुझे याद करके रोना मत। शर्माएगी तो शर्माएगी नहीं, तेरा दूल्हा जरूर शर्मा जाएगा। सही में। तो चलो भाई, रात के 10 बज गए हैं। हमारा सामान देखो, सोएंगे कैसे, अभी तक सामान ही पैक नहीं हो रखा है हम लोगों का, क्योंकि हम वेट कर रहे थे यहाँ पे। और सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लेह वासियों का, जो मतलब हमारा साथ देते हैं जब हम लोग यहाँ पे 3 से 4 महीना रहते हैं। बंद कर दे यार, क्योंकि 3-4 महीने की फैमिली हमारी पूरी लेवासी होते, तो उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें कोई ऐसी परेशानी तो नहीं होती है यहाँ पे उनकी वजह से, सबके सब, क्योंकि हमारे हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो बहुत सारा प्यार लेवासियों को और बड़ों को, मेरा प्रणाम सभी को। और चलो लगते हैं अब हम कार्यवाही पर।